नमस्कार, बिहार 24 सत्य सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। मैं अभी खड़ा हूं केजरीवाल हाई स्कूल के सामने, जो हॉस्टल है। यहां पर एकलव्य फुटबॉल खिलाड़ी के छात्र रहते हैं। उनको कुछ कठिनाई थी। पूर्व मंत्री झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा हमारे पीछे आपको दिख रहे होंगे, वो छात्रों से मिलने के लिए आए हैं। उनकी समस्याओं को समझा है, सुना है और बड़ी ही आत्मीयता से छात्रों से बात की है, कोच से भी बात की है। यहाँ पर रहन सहन के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। उन्होंने तत्काल अपने तरफ से 10 चौकी, मच्छरदानी, कम्बल तुरंत 2 दिन के अंदर में उपलब्ध करवाने का भरोसा भी दिलवाया है। कार्यपालक पदाधिकारी से बात कर बिजली की भी सुविधा बहाल करने के लिए बात कही है। पूर्व मंत्री के यहाँ आने से छात्रों में, खिलाड़ियों में एक गजब का उत्साह देखा जा रहा है। उन लोगों को लग रहा है कि हमारी बातें सुनने के लिए भी कोई ऐसे व्यक्ति आए हैं जो सिर्फ बोलते नहीं हैं, करते हैं। उन्होंने ऑन स्पॉट कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत से बात कर उनके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि से शौचालय के संदर्भ में भी बात की थी। मैं उनसे बात करवाता हूँ, क्या कहते हैं सर। यहाँ पहुँचे थे एकलव्य छात्रों को देखने के लिए। इन लोगों को तो बड़ी खुशी है और उत्साह से भी लबरेज हैं। बहुत सारी बातें आपने तुरंत आश्वासन भी दी है, चौकी की, मच्छरदानी की, और क्या कुछ सर पाए हैं और कैसा लगा आपको? ये 2014-15 वर्ष में यहाँ के लिए स्वीकृत हुआ था और मधुबनी में 2 स्ट्रीम फुटबॉल और बैडमिंटन की स्वीकृति हुई थी। झंझारपुर में फुटबॉल के लिए मिला था और लगभग 24 बच्चों की यहाँ पे कैपेसिटी है जिनकी ट्रेनिंग होती है। बहुत दिनों से इच्छा थी कि आए, यहाँ आके मिले भी, तो आज आए हैं, बच्चों से भी मिले हैं और ये प्रसन्नता हुई है कि बिहार के विभिन्न हिस्सों के बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मधुबनी ज़िले के ही हैं या आसपास के हैं, दूर दूर के हैं, जमुई के भी मिले हैं बच्चे। तो इनको बेहतर सुविधा हम कैसे दें, क्योंकि सरकार के द्वारा जो कि दिया जा रहा है उसका लाभ ये लें और आने वाले समय में खेलो इंडिया के माध्यम से या सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र के लिए ये मेडल प्राप्त करें, ये अच्छा खेलें और अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, यही सोच से हैं। बहुत बच्चों से हमने पूछा भी कि आप यहाँ आए हैं सामने केजरीवाल स्कूल में, वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, आगे आप कहाँ जाएंगे, आपकी रुचि ही फुटबॉल में है। तो लगा कि सभी बच्चों में एक कमिटमेंट है, वो एक सोच के आए हैं, चाहे वो छोटे बच्चे भी हैं या कंपैरेटिवली अगर थोड़े बड़े बच्चे भी हैं, लेकिन उनमें ये एक लगता है कि एक स्पष्टता है कि वो इस खेल में वो अच्छा करना चाहते हैं। तो मुझसे जितना संभव होगा, क्योंकि खिलाड़ियों का मैं सम्मान करता हूँ और मेरी दिली इच्छा है कि अपने मिट्टी से, अपने झंझारपुर से कोई आगे निकले, तो मुझसे जितना होगा व्यक्तिगत तौर पर भी इनकी कुछ आवश्यकताएं हैं जिसको मैं जल्दी ही पूरा करूंगा और नगर परिषद के भी माध्यम से या जो युवा कला संस्कृति एवं युवा विभाग है बिहार सरकार का, उसके माध्यम से भी, तो जो कोच हैं यहाँ उनसे भी जो बात हुई है, केजरीवाल के कुछ शिक्षक भी हमारे साथ रहे हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि बच्चों को एक अच्छा वातावरण दें कि जिस उद्देश्य के साथ वो यहाँ आए हुए हैं उस उद्देश्य को प्राप्ति में वो सफल हो सके। सर, आपके ही प्रयास से, जैसा कि लोग जानते हैं यहाँ पर, पहले यहाँ पर ललित कर्पूरी स्टेडियम मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट चलती थी, अभी फिलहाल बंद है और ये सेंटर एकलव्य फुटबॉल का आपके प्रयास से आया है। आज कुछ दिनों के बाद या बहुत दिनों के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं। आपके प्रयास से लाए गए इस केंद्र में छात्रों को देख करके कैसा लग रहा है? प्लस यहाँ से कोई छात्र अभी तक निकले हैं क्या आगे? नहीं, देखिए, एक तो बहुत संतुष्टि, मैं तो जब अभी आया था तो मैंने कल्पना नहीं किया था, एक बच्चे बहुत अनुशासित दिखे और एक सबों में एक जो आप जो कहें जो एक डिसिप्लिन की भाव हमने देखी, जिस ढंग से वो हमसे मिले, तो वो अपने आप में दिखाता है कि यहाँ पे जिस व्यवस्था में वो हैं, सीमाएं हैं, लिमिटेशन में हैं, बच्चे कष्ट में भी हैं, अगर इस बात से स्वीकार करने में मुझको हर्ज नहीं है, वो तकलीफ़ में भी रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छा करना चाह रहे हैं। और जो हमारे यहाँ कोच दानिश जी हैं उनसे भी हमने जानकारी ली है, तो बच्चे विभिन्न जो हमारे कैंप्स होते हैं उसमें भी जा रहे हैं, जो बड़े बड़े फुटबॉल के टूर्नामेंट्स हैं उसमें भी यहाँ के निकले हुए बच्चों ने खेला है। तो मुझको ये लगा कि मेरी कोशिश होगी कि उनको भी हम कभी यहाँ बुलाएं, ताकि वो जब आएंगे और इन बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा। और अब मुझको जानकारी दी गई कि अभी हमारे यहाँ के भी बच्चे जो अभी यहाँ पे हैं उसमें से 6-7 बच्चे ऐसे हैं जो सुब्रतो कप में इन लोगों ने भाग लिया था और उसमें ये लोग जीते भी हैं। तो मैंने कहा भी कि स्कूल के माध्यम से हम ज़रूर चाहेंगे कि उनको हम लोग सम्मानित करें। और अब वो धारणा बदल चुकी है कि बड़े शहरों में ही टैलेंट है और बड़े शहरों के बच्चे ही कहीं राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे।
आज ग्रामीण अंचलों से, रूरल एरियाज से बच्चों में प्रतिभाएं हैं, आवश्यकता है उनकी प्रतिभाओं को तराशने की और एक बेहतर माहौल और प्लेटफॉर्म उनको देने की कि ताकि वो जो उनमें क्षमता है वो निखर के बाहर आ सके। तो मेरी पूरी कोशिश होगी झंझारपुर के विधायक के नाते और एक व्यक्तिगत तौर पर स्पोर्ट्स लवर के नाते, क्योंकि आप अवगत हैं खेल में मेरी भी रुचि रही है और हर एक खेल को आगे बढ़ाने के मेरा पूरा प्रयास रहा है, तो मुझसे जितना बन सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे यहाँ जो बच्चे अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वो आगे वो ज़रूर बढ़े। यहाँ आए सर, आपको अभी 15-20 मिनट हुआ है, एक परिवर्तन तो बच्चे लोगों ने शिकायत की थी मच्छर काटने की, तो फॉगिंग मशीन पीछे दिख रहा है जो चल गया है और एक तो शुरुआत हो चुकी है, और क्या क्या इन लोगों को तुरंत में कुछ सुविधा की आवश्यकताएं बहुत हैं। बच्चों ने बहुत खुल के बात भी की और मुझको अच्छा भी लगा कि जिसके मन में जो था उन्होंने कहा भी है और बिना किसी झिझक के कहा, ये मुझको बहुत अच्छा लगा। और एक ज़रूर है क्योंकि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के प्रति जो एक छवि बनी हुई है और विश्वास की कमी होती है, तो मैंने ऐसे ही हंसी मजाक में कहा भी कि आपको लग रहा होगा कि शायद हम ऐसे ही बोल के जा रहे हैं, कुछ होगा नहीं, तो मैंने यही कहा कि आप जो भी आवश्यकताएं उसको मैं पूरा करूंगा। अभी तुरंत में लोगों ने कहा कि मच्छर बहुत है, तो धन्यवाद देंगे नगर परिषद कार्यालय को कि तत्क्षण उन्होंने फॉगिंग मशीन भी भेजा, और सिर्फ आज ही नहीं रेगुलर बेसिस पर ये होगा। चाहे इनके टॉयलेट्स की कठिनाई है हम उसको भी दूर करेंगे, कुछ लाइटिंग का इन्होंने कहा, और ये जो भवन है ये रिपेयर खोजता है तो इसको भी हम देखेंगे कि या तो जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास जो एक विधायक अनुशंसा पर होता है हम उसके माध्यम से करा सकें तो वो कराएंगे, नहीं तो केजरीवाल विद्यालय की ही ये संपत्ति है, उन्हीं के नियंत्रण में ये है, अगर उनके कोष से अगर होगा, इतना मैं ज़रूर विश्वास आपके माध्यम से इन बच्चों को भी देंगे और झंझारपुर के लोगों को भी कि एक जितना संभव है उन सभी कार्यों को मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि हमारे बच्चों को एक बेटर इन्वायरमेंट मिल सके और वो यहाँ से वो आगे बढ़े। खिलाड़ियों ने चौकी, ब्लैंकेट, मच्छरदानी की कुछ बात कही थी, वो उनको कल मिल जाएगा, जो कुछ आवश्यकता इन्होंने अपनी बताई है और बहुत ही एक कहिए कि बेसिक रिक्वायरमेंट की, किसी ने कहा कि एक चौकी पर हम दो लोग शेयर कर रहे हैं या कुछ भी, रूम की भी सीमाएँ हैं, स्पेस नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमें 10 चौकी मिल जाएगी काम चलेगा, कम्बल नहीं है और मॉस्किटो नेट्स की बात इनको कही है, कल शाम तक निश्चित तौर पर इनके पास ये उपलब्ध रहेगा। आपने उनको सुना, सर को धन्यवाद, निजी कोष से इन लोगों की इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, आप हमारे पीछे देख रहे हैं फॉगिंग मशीन भी शुरू हो चुकी है, लड़के भी खुश हैं, प्रायः देखा जाता है कि जनप्रतिनिधि आते हैं और विभिन्न प्रकार के वादे करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्व मंत्री झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा पहुँचे और पहुँचने के बाद ही कुछ न कुछ परिवर्तन दिख रहा है। धन्यवाद, आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में कहें।